ये तो साइकिल के पीछे बच्चा बांध के चला रहे हैं। देखा आपने, सीट सी लगा देते हैं। कहाँ जा रहे हैं अब? टाइम स्क्वायर सामने दिख रहा है आपको, टाइम स्क्वायर इसको कहते हैं। टाइम काफी पिक्चरों में इसकी शूटिंग आती है ये। अब हम जा रहे हैं टाइम स्क्वायर, वो सामने दिख रहा है टाइम स्क्वायर। न्यूयॉर्क का मेन जगह टाइम स्क्वायर। ये लिखा है वेलकम टू टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क, वो लिखा हुआ है। हमारा वेलकम कर रहे हैं ये, चलो एक्सेप्टेड। टाइम स्क्वायर ये है आने वाला है। टाइम स्क्वायर एरिया आ गया है और हमें इसमें देखो घूमने वाले इतने आते हैं यहाँ, वो भीड़ है इतनी। वो है टाइम स्क्वायर जो है ना, स्टॉम के साथ स्टॉप साइड। हाँ ये पूरा एरिया ही जो सेंटर है ना, ये पूरा एरिया ये वो जो मेन जो बिल्डिंग प्यूमा लिखा हुआ है ना उसके इस तरह वाला वो एरिया, वो टाइम स्क्वायर है। उसके प्यूमा के ऊपर 2024 लिखा हुआ है ना, और उसके ऊपर एक बॉल है। तो हर साल न्यू ईयर के दिन वो बॉल ऊपर चढ़ी होती है और गिरती है ठीक 12 बजे। अच्छा? और वो साल चेंज होता है, 2024 चल रहा है तभी 2024 है। 2024 की 31 दिसंबर को वो बॉल ऊपर जाती है और फिर वो नीचे गिरती है और फिर 2025 बन जाता है वो। उसको देखने के लिए पूरा खचाखच भरा होता है ये। टाइम स्क्वायर, हाँ वो टाइम स्क्वायर है ये। ये वो टाइम स्क्वायर है, यहाँ पे होता है। इसके बगल से अपन निकलते हुए चलेंगे। खोल दूँ क्या आराम से? देखो आपके दस हरी खोल देता हूँ। हाँ ये राइट साइड है ना, वो है टाइम स्क्वायर। घुमा के और लाता हूँ मैं उधर से। ये टाइम स्क्वायर है, वो बोल रही है। बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं इसमें, तो उससे और घुमा के लाता हूँ। ये तो बिग बस न्यूयॉर्क के सिटी बस करा, सिटी टूर कराने वाली बस, सिटी टूर करवाने वाली बस है। हाँ डबल डेकर है। हम इधर टाइम स्क्वायर के चारों तरफ भी घूमते हैं, पूरा दिखाते हैं। होर्डिंग देखो कितने बड़े 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 एड के। ये हर्षी चॉकलेट वाली चॉकलेट की दुकान है, बहुत बड़ी। और ये 2024 ये वही तो बॉल है, उधर से दिख रही थी अपने को पहले। तो उधर ब्लू थी, कलर चेंज होता रहता है इसका। अच्छा अच्छा हाँ चेंज हो गया, वहाँ ब्लू थी। राइट साइड ये वाला एरिया, यहाँ पे लोग आते हैं बहुत। ये टाइम स्क्वायर है, ये टाइम स्क्वायर है न्यूयॉर्क। और कितने बड़े होर्डिंग लगे हैं सब। होर्डिंग देखो, होर्डिंग इधर एड, कितने होर्डिंग। वो बॉल गिरती है, साल बदलता है। जो वेरी वेरी गुड, इज द टाइम स्क्वायर। देखो भीड़ को देखो, यहाँ भीड़ के मामले में दिल्ली का चांदनी चौक डांस हो रहा है।
इंडियन नहीं है, ये डांस हो रहा है, इंडियन नहीं है, परफॉर्मेंस कर रहा सब। ये मूवी थिएटर है भी बड़ा, वापस देता हूँ, इधर से आता हूँ। I'm just turning around one more time to get one more bite of Times Square. Then we go. Where are you going now? But if you don't go up, then what's the point? Okay. Go to Times Square. होटल कार्टर ये है ऊपर, होटल कार्टर आई हैव पर्सनली बीन ऑन इट। आगे वापस एक बार होते हुए चलेंगे। हर एंगल से एंटर कर लिया अपने टाइम स्क्वायर ना, टाइम स्क्वायर स्क्वायर हो गए चारों तरफ से। अभी इधर से आगे एक और बार अंदर से निकलेंगे, एक बार और निकलते हैं उधर से, फिर अगला अपन एम्पायर स्टेट जा रहे हैं, तो एम्पायर स्टेट का जाने का रास्ता भी यही है। पिज़्ज़ा हट उधर यार 10 गली दूर है इसका ऑफिस। शुड वी ड्राइव बाय योर ऑफिस? इज इट बिफोर टाइम स्क्वायर दूसरी बिल्डिंग में पीछे उसमें चढ़ाते हैं, वो लिफ्ट है उसके, वो ऊपर ले जाती है उसको, वहाँ ले जाके खड़ी कर दो लिफ्ट से ऊपर। बड़े शहर का यही तो है, पार्किंग का कोई जगह नहीं होती। जगह नहीं है तो टेक्नोलॉजी यूज करी जाए। पर्सनली आई हैव बीन टू एम्पायर स्टेट, आई डिड नॉट थिंक इट वाज इंप्रेसिव फ्रॉम टॉप, नॉट वर्थ। ये टाइम स्क्वायर के राउंड कर दिया। यहाँ म्यूजिकल शोज होते हैं बहुत सारे, जो थिएटर के शोज होते हैं ना वो यहाँ होते हैं ब्रॉडवे में, बहुत सालों से, करीब 100 साल से भी ऊपर का इतिहास है यहाँ पर।
थिएटर के शो नाम ब्रॉडवे है, जगह तो है नहीं, ये सब ट्रैफिक बंद कर दिया जाता होगा उस टाइम में। कब? न्यू ईयर के टाइम पे? हाँ न्यू ईयर के टाइम पे तो सब बंद हो जाता है, तीन चार गली दूर तक बंद हो जाता है और यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। ये देखो ये होटल है, होटल अंदर है, यहाँ पे बाहर बैठाने का अरेंजमेंट कर रखा है इसमें, इसी में हाँ एक दो दो चेयर लगा रखी है इसमें। ये परमिशन रोड के बीच में कैसे दे दी इनको? पब्लिक फैसिलिटी के लिए दी गई है। फिर से लेते हैं राइट साइड में। नहीं उतर के तो देख ही नहीं पाते, तो पूरा देख लिया अभी। अब चलते हैं अपन एम्पायर स्टेट। आपको एम्पायर स्टेट अलग है। देखो ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है एम्पायर स्टेट। हेलो, देखते जाओ देखते जाओ देखते पब्लिक ऐसे पब्लिक है। हाँ इसका नाम वो लिखा हुआ ना एम्पायर स्टेट, एम्पायर स्टेट। ये टूरिस्ट बस है, बिग बस न्यूयॉर्क, ये दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए ऊपर ही बैठाते हैं इनको अपने। ये देखो या देखना देख तो, ये एम्पायर स्टेट के पास खड़े हैं और इतनी बड़ी बिल्डिंग है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, वर्ल्ड की बिगेस्ट बिल्डिंग, बिगेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज एम्पायर स्टेट इन न्यूयॉर्क। ये अलग बिल्डिंग है, इससे ऊंची ये है एम्पायर स्टेट। देखो ये ऊंचाई देखो, ऊपर आकाश की तरफ देखना पड़ता है इसे, हैं? देखो आकाश की तरफ देखना पड़ता है इसे, ऐसे देखते ही जाओ कंप्लीटली ऊपर तो देख सकोगे।
एंट्रेंस है उसका। आगे देख लीजिए भाई, मैं देख सबका। लगाते हैं गाड़ी, लगाते हैं अंदर जाते हैं। अंदर चलोगे? बिल्कुल क्यों नहीं, ये देख लेते हैं। आधे घंटा हो जाते हैं ना, देखते हैं। ये देखो ये रेलवे लाइन, ये यहाँ तक आती है, ये रेलवे, ये ट्रेन खड़ी है। सबसे बड़ा सेंट्रल, पहले वो ट्रेन खड़ी है। ये प्लेटफॉर्म है सारे, 105, 106, 107 है कि नहीं? ये देखो इनको ट्रैक बोलते हैं यहाँ, अपने वहाँ प्लेटफॉर्म बोलते हैं। क्या वहाँ प्लेटफॉर्म बोलते हैं? 106, 105 इस तरह से आगे तक है। देखो आओ, अब जैसे ही जिस ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म का बोलें उस गैलरी में 108 और 107, ये है 109, 110, ये गैलरी में जाओ और इधर 109 मिलेगा, 108 मिलेगा। अपन जाकर आए ना, वो जैसे ही यही है। ये है इधर 111 नंबर प्लेटफॉर्म, इधर 112 बोल वो देखो वो ट्रेन खड़ी है। पूरे प्लेटफॉर्म तो दिखा दो तेरे को कहाँ कहाँ, 113, 114 वो देखो नीचे। चलो ये हैं, हाँ ये ट्रेन नीचे से ही जाती है और अंडरग्राउंड ही जाती है सभी सब ट्रेन। आओ उधर से तो चढ़े ही थे, इधर से आ जाते हैं साइड से अंदर आए थे। ये और नीचे जाने का है, हाँ ये नीचे की नीचे दूसरी ट्रेन पकड़नी होती है ना वो। Oh.